अभी मुख्यमंत्री जी आए हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको इतने सालों बाद वो आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। तो आपसे भी बात हुई होगी, क्या उन्होंने पुराने बचपन के दिनों को याद किया होगा, क्या क्या कहा? नहीं, हमसे अभी ऐसी बात कुछ नहीं हुई। अभी हम मतलब लोगों के साथ मिले, पर ये नहीं कि हम अकेले में अभी नहीं मिले, ऐसा बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं अभी। तो क्या आप बचपन में वो यहाँ रहते थे, उसकी आपको कुछ यादें होंगी कि वो कैसे यहाँ, कुछ आपकी यादें हो? बचपन की यादें तो बहुत रहती हैं, वो तो मतलब कोई बड़ा अध्याय हो जाएगा, बुढ़ापे तक भी नहीं भूल सकता बचपन की यादें तो। या फिर तो उन्होंने हमारे साथ मतलब छोटे से यार 21 उम्र तक हमारे साथ रहे, स्कूल गए हमारे साथ, सब साथ में खाना खाया, सब तो वो यादें तो हमको पूरी रहेगी हर समय। जैसे आपको कितना गर्व महसूस होता है, जैसे वो उत्तराखंड से इस गांव से उठकर यूपी के दो बार मुख्यमंत्री हो गए हैं, सांसद रहे हैं, और पूरे मतलब देश के एक बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है, कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है, यूपी से जो भी आते हैं सब गुणगान गाते हैं, सब बोलते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना, मतलब जैसे होता है कि जो भी मंत्री बनते हैं तो अपने तक सीमित रहते हैं, वो अपने तक सीमित नहीं है, न उनको अपने स्वास्थ्य की वो है फिक्र, न वो जनता की सेवा में लगे हैं, कहीं पे भी मतलब कोई कमी नहीं करी उन्होंने किसी के लिए। कहाँ तक आप देखते हैं उनको आगे, कैसा भविष्य देखते हैं आप उसको, जैसे उनका अभी कार्यकाल चल रहा है, जैसे वो अभी उनके पद्धति चल रही है, क्या लगता है आपको कि उनका आगे कहाँ तक भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? तो भगवान की इच्छा है, वो बाकी उनकी मेहनत है, जो जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसी मेहनत से तो आगे बढ़ेंगे। बाकी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने हाथ से जब अपना कार्यकाल दे देंगे तो वो संभालेंगे। आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।